हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बानिक। आई एम प्रदोष मिश्र एंड आई एम बैक विथ अनदर शॉर्ट वीडियो। और आज का टॉपिक है, हम सीखेंगे यूज ऑफ सम कॉमन एक्सप्रेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। सो पहला स्ट्रक्चर आज हम सीखेंगे जिसके ऊपर, वो है वन ऑफ। तो यहाँ पे वन ऑफ को कई सारे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए पहले क्या लिखा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा, उसके साथ वर्ब लेकिन सिंगुलर में आएगा। देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे जैसे दिया गया है, वन ऑफ माइन, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स आएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर है, इज ए डॉक्टर इस्तेमाल करेंगे। सपोजिंग वन के जगह पे मैंने यहाँ पे टू लिखा तो क्या होगा, ऐसे होगा टू ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि टू आ रहा है, वर्ब प्लूरल करेंगे, आर डॉक्टर्स। आसान सा रूल है, आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एक सेकंड दीजिएगा। ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर है वन ऑफ को लेके, क्या लिखा है देखिए, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन इसके बाद अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया है, तो बात आती है वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, तो इसका मतलब है जैसे ये वाले वर्ड आएंगे, हु आएगा, होम आएगा, या फिर दैट आएगा, ये सब विच आएगा, ये सारे जो वर्ड होते हैं इनको कहेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आएगा स्ट्रक्चर में, जो कि हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखिए, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। आप कंपेयर कर सकते हैं पहले में, जहां पे हमने ये बताया था कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्लूरल वर्ब आ रहा है। जैसे कि ही इज, आप देख सकते हो वन ऑफ माय, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के बाद हु लिखा है, हु बन गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमें समझना है कि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसको रिफर करेगा, फ्रेंड्स को रिफर करेगा। तो फ्रेंड्स प्लूरल है, इसीलिए हु के बाद वर्ब जो है यहाँ पे प्लूरल आया। हु आर लिखते हैं, इज नहीं लिखेंगे, आर के बाद डॉक्टर्स, ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा। अब चलेंगे इसके तीसरे एक्सेप्शन के लिए। दिया गया है अगर हम सेंटेंस में वन ऑफ से पहले ओनली का इस्तेमाल करते हैं तो फिर से स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ओनली उसके बाद वन ऑफ लिखा है, उसके बाद जो आपका नाउन है प्लूरल आएगा, लेकिन उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब जो है यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा। देखिए कितना बदल रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम इसको समझें तो ऐसे आएगा, ही इज, ही के लिए इज लगा, ठीक है, ओनली है, वन ऑफ माई प्लूरल नाउन आएगा, इसीलिए स्टूडेंट्स लिखा है। अभी हु भी लिखा है, हु रिफर करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भर प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे सिंगुलर लिखा इज, क्योंकि यहाँ पे ओनली जिसके बाद जिसको रिफर कर रहा है उसके अनुसार वर्ब होगा। तो ओनली के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे वन लिखा, इसलिए हमने यहाँ पे इज ए डॉक्टर लिखा। अगर टू होता तो आर कर लेते। तो ये तीन स्ट्रक्चर है ओनली और वन ऑफ के साथ। उम्मीद है कि आपने ये तीनों स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा। हम फिर से मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, हैव अ गुड डे।